नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों खासतौर से असम में विधेयक का विरोध हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका हक नहीं छीना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 48 घंटे यानी 12 और 13 दिसंबर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी दी गई है। ऑरेंज वार्निंग में यात्रियों को संबंधित संभागों में मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की हिदायत दी गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमिन का कहना है कि बहुत कम देशों में बांग्लादेश की तरह सांप्रदायिक सद्भाव कायम है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत में बुधवार को नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत कम देश हैं जहां सांप्रदायिक सद्भाव बांग्लादेश की तरह अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कुछ महीने बांग्लादेश में रहेंगे तो उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलेगा। ये जानकारी बांग्लादेशी मीडिया ने दी है। जीएसटी परिषद की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में ऐसे कई फैसले हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अगुवाई वाली अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 दिसंबर को होनी है, जिसमें मुख्य रूप से जीएसटी संग्रह में अनुमान से ज्यादा कमी और कई राज्यों के बकाया मुआवजे आदि मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है। भारत ने बुधवार को आखिरी व निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 67 रन से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम 173 रन ही बना सकी और मैच के साथ साथ सीरीज भी हार गयी। आपको बताते चले कि पहला मुकाबला इंडिया ने जीता था, जबकि दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वो आर्थिक मंदी से चिंतित नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हो रही हैं जिनके अपने प्रभाव होंगे। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे मुखर्जी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि 2008 में वित्तीय संकट के दौरान भारतीय बैंकों ने लचीलापन दिखाया था, तब वो वित्त मंत्री थे। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के एक भी बैंक ने पूंजी के लिए उनसे संपर्क नहीं किया था। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत है और इसमें कुछ गलत नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इसके अलावा उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस कुछ खास मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इस पर भी तीनों दलों में आम सहमति नहीं बन पाई है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में 9 नवंबर को दिए फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को विचार करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ दोपहर 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर इन चैंबर्स में सुनाई करेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध बढ़ता जा रहा है। असम में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके कारण डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पहली याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दायर की है। नानावती आयोग ने गुजरात दंगा मामले में 3 पूर्व आईपीएस अधिकारियों संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार और राहुल शर्मा की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणी की है। इन अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि दंगों में राज्य सरकार का हाथ था। आयोग ने इसके साक्ष्यों और बयानों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा, राज्य खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन उपायुक्त भट्ट ने सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों से निजी खुन्नस के कारण मीटिंग की नई कहानी गढ़ी। भट्ट का दावा था कि वो 27 फरवरी 2002 को सीएम कार्यालय में हुए बैठक में मौजूद थे और सीएम नरेंद्र मोदी ने पुलिस और प्रशासन को बहुसंख्यकों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। नागरिकता विधेयक को लेकर भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो हिस्से हो गए हैं। सबसे पहले पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने इस पर सवाल खड़े किए, इसके बाद पवन वर्मा ने भी विरोध के सुर अलापे, जिसके बाद पार्टी ने दोनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पार्टी लाइन से हटकर बोलने वालों के विचार उनके निजी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को इधर उधर बोलने की बजाय पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि गुरुवार को फिर प्रशांत किशोर ने विधेयक के विरोध में ट्वीट किया है। उनका कहना है कि यह धर्म के आधार पर प्रताड़ित करने का आधार बनेगा। अनाज मंडी इलाके में 43 लोगों के बाद अब प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम का फैक्ट्री लाइसेंस विभाग सदर बाजार के चमिलियान में सीलिंग के लिए पहुंच गए। आनंद फानंद में विभाग ने 4 अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया। इस बीच इलाके की 47 फैक्ट्रियां खाली या बंद मिली। रविवार से चल रहे हंगामे के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी एक्शन मोड में दिखा। उसने 28 फैक्ट्री का निरीक्षण किया और 16 अवैध फैक्ट्रियों को सील कर दिया।